अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक। जैसा कि आप मेरी बेशतर वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप हमें टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस तो बता देते हैं, लेकिन काइंडली हमें ये भी बता दिया करें कि हम टेस्ट की तैयारी कहाँ से और कैसे करें। जी तो व्यूअर्स, आपकी इसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपके टेस्ट की तैयारी कैसे और कहाँ से करेंगे। सिंपल फोर स्टेप्स का फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ रिलायबल ऑथेंटिक सोर्सेज भी शेयर करूंगा। और अगर आपने इन चार स्टेप्स पर फार्मूले पर अमल किया तो आई कैन श्योरली से दैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। बढ़ते हैं फोर स्टेप्स की जानेब। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल का विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें, ताकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट्स आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पहला स्टेप दोस्तों ये कि आप जिस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको सिलेबस और पैटर्न का पता होना चाहिए, जो कि मैं मोस्टली आपके साथ वीडियोस की सूरत में शेयर कर देता हूं। दूसरा स्टेप ये कि आप जिस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उससे रिलेटेड पास्ट पेपर यानी गुज़िश्ता सालों के पेपर लाजमी देख लें, और ये पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। मोस्टली इन्फोउस्ताद यूट्यूब चैनल पर भी मैं बहुत सारे पेपर अपलोड किए हुए हैं और मज़ीद भी अपलोड करता रहता हूं, सो आप वहां से पास्ट पेपर देख सकते हैं। infoUstaad.com वेबसाइट भी है जो कि अब अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन वहां पर भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल और पास्ट पेपर मिल जाते हैं, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स के बाद तीसरा स्टेप आता है कि आप रेलिवेंट बुक परचेज करें उस टेस्ट से रिलेटेड जो कि आपको मार्केट से मिल जाती है, जैसा कि कारवान हो गया, डोगर पब्लिशर्स की बुक होगी, इल्मी की बुक होगी, और इस तरह से और भी बहुत सारे अच्छे पब्लिशर्स मौजूद हैं जो कि सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए बुक प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको 50% रिकमेंड करूँगा। 50% रिकमेंड करने की वजह ये है क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपका जो टेस्ट है वो किसी स्पेसिफिक एक बुक में से या दो बुक्स में से आएगा, वो कहीं से भी आपको टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चंस वो उठा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप परचेज कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी परचेज करते तो फोर्थ स्टेप को फॉलो कीजिएगा जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है और मैं इसको आप लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ। गो टू ऑनलाइन, गूगल पे जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी अथेंटिक और रिलायबल वेबसाइट्स मिलेंगी। आपको स्क्रीन पर लिस्ट भी नजर आ रही होगी और मैं वन बाय वन आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके इन वेबसाइट का विजिट भी करवाऊंगा, बाकी डिटेल आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर आपको एक और टिप देता चलूं, टिप ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन वेबसाइट से तो MCQs के नोट्स प्रिपेयर करें, हर सब्जेक्ट के आप नोट्स प्रिपेयर कर लें। नोट्स का फायदा ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, आप ऑफलाइन होते हैं, या आपका मूड नहीं होता अपने मोबाइल से या लैपटॉप को ऑन करके पढ़ने से, तो आपके नोट्स काम आएंगे, आप उन नोट्स को ऑफलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मेमोराइज कर सकते हैं अपने आने वाले टेस्ट की तैयारी के लिए। तो ये तो हो गए चार स्टेप्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर स्टेप्स के बाद मैं आपके साथ कुछ अथेंटिक और रिलायबल सोर्सेज शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आपको नजर आ रही है वेबसाइट की, आप इन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी मैं ब्रीफली आपको वन बाय वन लैपटॉप की स्क्रीन पे विजिट करवाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स कितनी यूजफुल हैं और आपको कंसल्ट करना चाहिए इन वेबसाइट से, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, वन पेपर बेस्ड MCQs एग्जाम है, CSS PMS का एग्जाम है, या किसी भी कमीशन का एग्जाम है, किसी भी टेस्ट एजेंसी का एग्जाम है। ये जो वेबसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं खुद भी इनको फॉलो करता हूँ, सो मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूअर्स, वेलकम टू लैपटॉप स्क्रीन, और पहली वेबसाइट की हम बात करते हैं पाक MCQs की। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है और पाकिस्तान में MCQs से रिलेटेड ये टॉप की वेबसाइट है, इसको मैं नंबर वन पे रखता हूँ, pakmcqs.com। आप इसको लाजमी से टेस्ट की तैयारी के लिए कंसल्ट कीजिए, इसमें बहुत
1000 ऑफ एमसीक्यूज होंगे आई थिंक, और जनरल नॉलेज के वाले से, करंट अफेयर के वाले से, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस और अदर में इंग्लिश है, मैथ, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। रिच कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में टॉप पे ये वेबसाइट एमसीक्यूज की तैयारी के हवाले से। सेकेंड वेबसाइट की जानब बढ़ते हैं, इंडिया बिक्स वेबसाइट है, indiabix.com। यह भी बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। एमसीक्यूज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और इसी से रिलेटेड डिटेल्ड में इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि नेचर है इंसान की, अगर वो एमसीक्यूज पढ़ता है तो हो सकता है कि वो उसको भूल जाए, लेकिन अगर आप उसी एमसीक्यूज से रिलेटेड डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को देख लेते हैं, तो वो आपको याद रह जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो indiabix.com वेबसाइट को मैंने सेकेंड नंबर पर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पर, sheer.org, sheer.org। यह भी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है एमसीक्यू से रिलेटेड, और आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, अर्थमेटिक, मैथ्स, कंप्यूटर आईटी और इंग्लिश वोकेबलरी, ग्रामर के हवाले से आप इसको भी लाजमी से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, geekmcq.com। यह भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास ezgolearning.com। आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पास्ट पेपर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट की जानेब बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास jobsguru.com। ये भी बड़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको PDF की फॉर्म में फाइलें मिल जाती हैं, जिनको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं और ऑफलाइन इनसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको तरीका कर बताया था कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, वो बेस्ट है, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स को, हर सब्जेक्ट से रिलेवेंट और सेट्स की फॉर्म में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से MCQs को कंपाइल किया हुआ है। इनफैक्ट MCQs तो नहीं है, ये वन स्टेटमेंट है और उनमें आंसर दिए हुए हैं। एनीवे नेक्स्ट की जानब चलते हैं, mcqspk.com। mcqspk.com भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट वेबसाइट है testfellow.com। testfellow.com भी अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ही पास्ट पेपर्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास gktoday.in। इंडिया की वेबसाइट है, लेकिन बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, स्पेशली करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो वर्ल्ड करेंट अफेयर्स हैं। देखिए आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे करेंट अफेयर क्विज अगस्त के भी इन्होंने यहाँ पर अभी तक दिए हुए हैं, ठीक है, जुलाई 2021, अगस्त 2021। और इसके अलावा ये स्पोर्ट्स के हवाले से भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जो कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। सो नेक्स्ट की जानब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। gktoday.in वेबसाइट है। नेक्स्ट वेबसाइट है जी mcqsforum.com। ये भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है mcqsforum.com। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर और तकरीबन तमाम एरियाज़ को ये कवर करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है। और राइट साइड पे आप देखें तो इनके करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्क्रॉलिंग चल रही है, ठीक है, जो इवेंट्स हैं हर डेज के हवाले से इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इस डे को ये हुआ। और नेक्स्ट वेबसाइट की जानब चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है css.times.pk। css PMS के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है ये, और इसके साथ साथ आप इसको कंसेप्चुअल स्टडी के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप MCQs के वाले पेपर्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको MCQs में कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। और मोस्ट जो रिकमेंडेड है css.times.pk css PMS के एग्जाम्स के हवाले से है। नेक्स्ट है gotest.pk, ये भी ऑनलाइन क्विजेस के हवाले से, अगर आप ऑनलाइन अपनी तैयारी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके ऑनलाइन क्विजेस की फॉर्म में टेस्ट भी दे सकते हैं। gotest.pk अच्छी वेबसाइट है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों,
एट द एंड मेरा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप इसको भी विजिट कर लें, अच्छा लगता है, आपके काम का है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी इसको कीजिएगा। और इन्फो उस्ताद डॉट कॉम वेबसाइट है, वो भी मैं आपको इस वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ, इन्फो उस्ताद डॉट कॉम, INFOUSTAAD.com। ठीक है, आप इन्फो उस्ताद डॉट कॉम इस वेबसाइट को भी तैयारी के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं उसके हवाले से भी आपको पोस्ट मिल जाती हैं डे बाय डे, और एमसीक्यू, उसके बाद जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, तो डिफरेंट एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। पास्ट पेपर्स भी आपको यहाँ पर ही कुछ अपलोडेड हैं और बाकी भी हम अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई एमसीक्यूज आपके पास है जो कि गुज़िश्ता पेपर्स में से है, तो आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं और अपना अपनी कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज भी लाइक कर लीजिएगा, इन्फो उस्ताद के नाम से है। और अगर आप एमएस ऑफिस का कोर्स करना चाहते हैं, जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल, अभी तक हमने इसकी वीडियोस अपलोड की हैं, मज़ीद हम बना रहे हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एमएस ऑफिस वर्ड और एक्सेल की प्लेलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।